रोडीज, क्योंकि पहला स्वॉप ऑलरेडी हो चुका है, थिंग्स आर गोना चेंज अ लिटिल नाउ। स्वॉप के साथ साथ जीतने वाले गैंग के किसी एक मेंबर को छोड़कर सभी को मिलेगी इम्यूनिटी। जो गैंग दूसरी पोजीशन पे आएगा, नथिंग चेंजेस, आपका गैंग वैसे का वैसे रहेगा, वोटेड आउट कंटेस्टेंट वापस गैंग में नहीं आएगा। एंड द गैंग इन थर्ड पोजिशन, परफॉर्मिंग रोडी भी घर जाएगा और वोट आउट किया गया रोडी भी आपके गैंग में वापस नहीं आएगा। नाउ दैट वी हैव गॉट दिस आउट ऑफ आवर वे, आज का टास्क ये है आपका अग्निपथ टास्क, ब्रॉट टू यू बाय एनवी डिओडोरेंट स्प्रेस, द पावर ऑफ फ्रेंच परफ्यूम। इस टास्क में पॉइंट ए से आपको दो बोल्स में पानी भरने हैं और उस तरफ पॉइंट बी पर रखे गए एक बोल के अंदर इस पानी को डालना है। जैसे ही आप इस बोल को पूरी तरह भर देंगे, दैट्स इट, योर टास्क इज ओवर। लेकिन जब आप ये कर रहे होंगे, आप चलोगे एक 6 इंच के पाथ पर। अगर आप नीचे देखोगे, आपको दिखेगी जलता हुआ कोयला। पैरों का ख्याल तो रख लिया हमने, बेचारे आपके हाथ बुरा मान जाएंगे। नो प्रॉब्लम, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट एज वेल। आपके हाथ में जो दो बोल्स होंगे, आपको उन्हें इन ग्रूव्स के थ्रू एक्सटेंड करते हुए आगे बढ़ना है। Did I mention के ये जो ग्रूव्स है, हमने इसे सजाया है कांटों से। रूलिंग गैंग, आप अब ये डिसाइड करेंगे कि पहले पोजीशन पे कौन जाएगा, दूसरे पोजीशन पे कौन जाएगा और तीसरे पोजीशन पे कौन जाएगा। प्रिंस के गैंग को हम सेकंड पोजीशन पे भेजेंगे, रणविजय की गैंग थर्ड, अनफॉर्चुनेटली निखिल के गैंग फर्स्ट। लेट्स बिगिन, राहुल गेट रेडी। यहां से इवन है तो इसको तो शायद साथ में ले जा सकता है, ये साथ में कर सकता है तो ठीक है। इधर आएगा, इधर फिर से खुल जाता है थोड़ा, ठीक है, हाथ निकाल, जंप लगा, इधर दोनों साथ में नीचे नीचे आ रहे हैं, साथ में ऊपर आ रहा है, साथ में ऊपर है, ठीक है। अब इधर रुक, ठीक, इधर रुकेगा, एक ऊपर रख, बाएं हाथ का ये पहले कर, बाएं हाथ से अभी यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है कि तेरा एक हाथ तो एज तक आएगा, कांटों तक ही आएगा, एज तक आएगा, तो कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, बॉल को बाहर मत निकालियो, ठीक ठीक ठीक, फिर वापस, ठीक है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे तू एक हाथ कर रहा है? इधर भी ठीक है, और मेजर प्रॉब्लम तेरा यहाँ पे होगा, एक हाथ का। इधर राहुल, अगर आपने दो बॉल्स तोड़े, आपका गेम खत्म। ऑलराइट ऑलराइट राहुल, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वो राहुल, कम ऑन राहुल, चल 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 चल, आराम से हाथ डाल, बहुत बढ़िया, इसके थ्रू आराम से पानी देख ले, चल 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 चल, ध्यान से, very good, good job राहुल, आराम से, हाथ आगे रखो, very good, इसकी टाइट, इसकी आराम से, बैलेंस रख ले, getting forward, one Rahul, fuck man, very good Rahul, very good, ये सही है, very good, चल, थोड़ा speed, शाबाश, जहाँ पे खुलता है थोड़ा speed उठा, देख ले कहाँ पे tight है, ध्यान से, इसकी best की tight, very good Rahul, चलो बहुत बढ़िया, चलो Rahul भाई, come on, आराम से, अभी गिरियो मत, निकाल बाहर, एंड तक लेके जा, निकाल बाहर, एंड तक लेके जा, पैर एंड तक लेके जा, ओके, अब निकाल सकते हो, छलांग मार, चलो ध्यान से, देख के, very good, ओके, हाथ डाल, अब वापस हाथ अंदर, very good, done, continue, कोई बात नहीं, आजा, good job, very good, झुक,
Very nice. Very good, Rahul. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आराम से वेरी गुड राहुल वेरी गुड फैंटास्टिक गुड जॉब देख ले कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है देख ले बहुत बढ़िया चलो 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 आ जा गिरा मत अभी गिरा मत अब गिरा मत ध्यान से राहुल भाग चलो भागो समझ गया ना तू भी बहुत बढ़िया चल ज्यादा जल्दी मत करियो याद रख कहां से पर प्रॉब्लम हुआ था याद रख ले चल 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 बहुत बढ़िया कोई नहीं वाच आउट राहुल वाच आउट ज्यादा जल्दबाजी मत कर गिराएगा तू ज्यादा पानी वेरी गुड आराम से गिरा मत हाँ सही कर रहा है एकदम सही कर रहा है तू आराम से दोनों तरफ देख ले आराम से बोल को बाहर hand is still inside देख के हाँ बॉल्स को ध्यान से पकड़ वेरी गुड कीप गोइंग चलो वेरी गुड आजा ध्यान से एक एक करके बहुत बढ़िया राहुल भाई वेरी गुड देख के चलो गुड जॉब राहुल वेरी गुड जॉब गिरा मत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट कर वेरी गुड पानी गिरा मत बस पैर एज पे होना चाहिए बहुत सही yes. निकालो निकालो ध्यान से गिरा मत धीरे यहाँ पे नहीं कम ऑन एक बार भागो द बर्डन ऑफ योर गैंग इज नाउ ऑन योर शोल्डर कम एंड स्टैंड द वाटर हाउ सम पीपल कीप द बैलेंस इन दिस यस शेन यस बस यस संदीप कूद ही जा रहा है बेंचोत Come on, Nikhil. Let's start with a bang. I'm trying to figure out what this is. Ye hai kya? Any of you guys know what this is? Oh, that's a dancer. The dancing feet. The dancing feet. No. Hey! No. You don't have the dancing queen. You don't have. Not the dancing queen. I've got the dancing guy. Yeah. The one with the hoodie. And those are male feet. Those are male feet. सबसे पहला क्लू जो मुझे समझ में आया जो मेरे टीम में डांसर है प्रियंक के बारे में मैं कॉन्फिडेंट था प्रियंक That's it. मैं तो बहुत चौड़ने चल के आया था कि उन्होंने एकदम सही सिलेक्ट किया है हाय प्रियंक हाय गुड टू सी यू रोक नहीं पा रही थी हमें दिव्या तो वो क्या कर रही थी उन्हें जो दो लाइनें दी थी कि उनके बाहर उन्होंने निकलना है तो दिव्या वो क्रॉस करके भी हमें निकल रही थी दिव्या
for an advantage, no pressure. Which I love Archery. And the whole Roadies crew knows this. The producers know it, the director knows it, MTV knows it, the country knows it, everybody knows it. Like, I hit moving targets. I said, yes, I'll do it, of course I'll do it. Why won't I do it, of course? And the kids were really happy because they also know. So, I said, yes, chalo. निखिल बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, उनका तीर थोड़ा पास जाके लगा, भूल जाए कि मेरा थोड़ा सा उसके बाहर, तो थोड़ी चोट लगी, बट इट्स ओके, क्योंकि आया ना कि मैं थोड़ा सा ऐसा दिखाता है ऐसे हूं और पीछे से आई एम जस्ट किडिंग. जब खुशनुमा नीचे आई थी, निखिल सर का चेहरा मैंने सबसे पहले देखा. वो जिस हिसाब से मेरे पास आए, मुझसे गले लगे, तो वो जो फीलिंग थी जीत की, वो बहुत अच्छी लग रही थी. फीलिंग ऑसम लाइक बस, और कुछ नहीं चाहिए. सबसे स्पेशल, सबसे प्राउड वाली बात, निखिल सर आते बोले भाई फाड़ के रख दिया तुम लोग ने, तो लाइक फील लाइक. मैं डर्टी पिक्चर को एक्सप्लेन कैसे करूं? डर्टी पिक्चर डर्टी हो गया कुछ, अगर अनहाइजेनिक लगता है तो हम तो यही तो करेंगे, छी ये ऐसे छी करेंगे. और पिक्चर के लिए मैं ये भी कर रहा था, ये फ्रेम, तो कोई भी नहीं समझा उस चीज को. अब बस हमें वो लीड मेंटेन करनी थी और हमारे पास अपर हैंड ऑलरेडी था इस टास्क में. अब अगले स्टेज के लिए आप अपना एलो फ्रूट जूस एडवांटेज जीत सकती हैं. जो भी लड़की पहले बाहर आएगी उनकी टीम को 4 थ्रोज मिलेंगे. इसमें अपूर्वा ने अपना दिमाग लगाया, उसने एक स्ट्रेटजी बनाई कि आरुषि, केविन, हामिद और माइकल चारों एक ही टीम में है, तो अगर हम उनको इम्यूनिटी नहीं जीतने देंगे तो हमारे पास हमारे टारगेट्स ओपन है, हम उसमें से किसी को भी वोट आउट कर सकते हैं. तो हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी कि हम बस आरुषि को वो बॉटल नहीं लेने देंगे और ये एडवांटेज नहीं मिलने देंगे. आई एम जस्ट गोना से गो. ओके गर्ल्स रेडी? यस सर. गो. On each other, someone was pulling it, the other was pulling it. I think Srishti was stuck under. Or I really think their goal was to stop Ayushi from winning the task. Because Apurva, wo bottle ko chhod diya, wo sirf Arushi ko paka raha. And I was like, why is Apurva like, you know, holding Arushi? यहाँ पे अपूर्वा जस्ट केम एंड सैट ऑन टॉप ऑफ अस. ऐसा लग रहा था कि एक गाय आके बस हमारे ऊपर बैठ गई है, ना हम हिल पा रहे हैं ना आगे बढ़ पा रहे हैं. मेरा ध्यान था आरुषि के पास, बट ये दो अप्सरा थी हमारे साथ, उनका ध्यान था बॉटल पे. मतलब इनको स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आती या फिर मेरा काट रहे थे. अपूर्वा वहाँ से मुझे कह रही है मेरे हाथ में बॉटल है, तू छोड़. एडवांटेज तो मुझे भी जीतना था, मेरी टीम को भी जिताना था, मुझे भी इम्यूनिटी चाहिए थी, तो मैंने वो बॉटल नहीं छोड़ी. अब लग रही है बहुत मुश्किल आई उस टास्क में. वो लोग मेरे लिटरली मुंह पर बैठ गए. मुंह पर कौन बैठता है यार?
I'm okay. Shishi, you're okay? Yes, sir. Okay. Appu! Appu, you're okay? 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 Appu, एक लड़की के ऊपर दो लड़की, तीसरी लड़की के ऊपर चौथी लड़की, किसी के ऊपर अपूर्वा बैठी है, किसी के ऊपर सृष्टि बैठी है, कोई नीचे दब रहा है, कोई ऊपर है, काफी इंटेंस हो गया था माहौल। ओके, स्टॉप, स्टॉप, गो बैक टू पोजीशंस। स्टॉप, 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 स्टॉप। फर्स्ट टाइम वो एक स्टेलमेट हो गया, दो द गेम हैड स्टॉप्ड एंड दे हैड टू रीस्टार्ट इट। व्हेन आई से रेडी, देन आई एम गोइंग टू से गो। ये राउंड स्टार्ट होने से पहले मैंने अपने दिमाग में ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी बना ली थी कि ये लड़कियां उस बॉटल पे वापस झपट्टा मारेंगी, तो मुझे कुछ भी करके ये बॉटल उनसे दूर लेके जानी है। Girls ready? Yes. Go. जैसे ही रन सर ने गो बोला, हम सब उसकी तरफ भागे, बट मैंने उस बॉटल को किक किया ताकि वो इनकी रीत से कम बच सके। हमने लड़कियों ने ये भी प्लान किया था कि हम आरुषि को पीछे कर देंगे, बट मैंने किसी की नहीं सुनी उस टाइम। मेरे दिमाग में ये था कि मैं एडवांटेज पहले नहीं ले पाई हूँ और ये मेरे लिए लास्ट चांस है प्रूव करने का भी और एडवांटेज लेने का भी। She has kept it down. I've seen it. I have seen it. She kept it. She has removed it, kept it out. मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मुझे था कि मुझे प्रूफ करना था और मैं प्रूफ कर चुकी थी। निशा ने क्या गेम खेला? निशा has won. Congratulations. इतनी तगड़ी तगड़ी लड़कियों के बीच से वो एडवांटेज लेके आगे निकल गई। पहला एलो फ्रूट जूस एडवांटेज वरुण की टीम जीत चुकी है। आपको चार चांसेस मिलेंगे। अब किस टीम को तीन मिलेंगे डिसाइड करेंगे, या अमन, संजय और केविन। हमारे पास ऑप्शन था वन एंड ओनली संजय। कुछ होप नहीं थी, ऐसे लग रहा था पिट के आ जाएगा। एक एमएमए फाइटर है, एक तो मस्त ट्रेनिंग वेनिंग लेता है जिम विम की। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि संजय कंपटीशन है भी या नहीं। ये कंपटीशन मुझे पता था एक तरफा या तो मेरे और केविन के बीच में होने वाला है। बॉयज रेडी गो। हमको केविन पर कंप्लीट भरोसा था क्योंकि वो एक एमएमए फाइटर है, वो एक जैसा क्राउचिंग टाइगर जैसा बैठ रहा था। एंड ही लुक्ड फियर्स। Sanjay came, grabbed me from behind, and मुझे लगा ये तो कुछ नहीं करेगा। And I tried to like throw him off of me. Come on, Kevin! Come on, Kevin! Sanjay, come on! Sanjay! Go, Sanjay! Sanjay! मैंने आधे फ्रूट जूस को अंदर हाथ डाल के पकड़ लिया और एक पैर बाहर निकाल दिया और उसी के साथ साथ ये टास्क मैं जीत गया। लोगों की आंखें खुल गई, लोग भौंचक के रह गए, सब चुप।